जहां एक तरफ योगी सरकार के बुलडोजर ने अपराधियों को सबक सिखा, सुर्खियां बटोरी, वहीं दूसरी ओर अपने कई अहम फैसलों से भी सरकार वाहवाही बटोर रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम फैसले लिए। इसके साथ ही 13 प्रस्तावों पर मोहर भी लगा दी। इस कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें से एक लाइसेंस को लेकर है। इस बार लाइसेंस के नियम बदल जाएंगे। एक अहम फैसले में जो खिलाड़ी इंटरनेशनल गेम्स में जीत कर आएगा, अब उन खिलाड़ियों को सीधा अफसर बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि योगी सरकार के कैबिनेट फैसले के तहत अब की बार का लाइसेंस लेना बेहद आसान होने वाला है। योगी सरकार के कई बड़े फैसलों से राज्य में बहुत से लोग खुश हैं, तो कई विपक्षी पार्टी को यह रास नहीं आ रहा, क्योंकि उन नियमों को खत्म कर दिया गया है जिसके अंतर्गत लाइसेंस लेने में पसीने छूट जाया करते थे। इतना ही नहीं, अब छोटी जगहों पर भी बार खुल सकेंगे, क्योंकि एक खबर के मुताबिक बार लाइसेंस की मंजूरी के लिए 200 वर्ग मीटर जगहों को कम करके 100 वर्ग मीटर कर दिया गया है, मगर इस बीच सिटिंग कैपेसिटी को घटाकर 40 के जगह 30 कर दिया गया है। क्योंकि सरकार की कैबिनेट में इंटरनेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधा अफसर बनाने के निर्णय पर मुहर लगा दी गई है। इसमें जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतेगा उसे 9 विभागों में अफसर बना दिया जाएगा। 1 सितंबर 2020 से जीते हुए खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं यूपी सरकार ने 5 राज्यों में छोटे एयरपोर्ट बनाने की भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी, फ्लाइट कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें से एक लाइसेंस को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय गेम्स जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधा अफसर बनाने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।